बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करना तुसी खरीयत ना होगे और अज दा व्लॉग करने है शुरू। तो जी सब तो पहले मैं आया जी आलू वाले खेत दे विच, काफ़ी दिन होए ना आलू लगाए दे और आलूआं दी की सूरत हाल है तुहाडे नाल शेयर करने। आलू देखने हैं की वजह आलू क्यों नहीं निकले। ये उगना शुरू हुआ है और ये छोटा, ये मतलब हमने को 30 के करीब निकाले हैं आलू, उसमें से एक सिर्फ जो है उसकी कंडीशन ऐसी है कि ये उग सकता है, अदरवाइज सारे खराब हो गए हुए। लेकिन देसी तरीके लाने तो पहले एक छोटी लकीर मार लैनी है टायर, उस लकीर आलू घेर लेने तो फिर मिट्टी जानी जी सारी उपर आ उत्ते टोमन नालू आलू थले लाना बेहतर है। आलू बड़े हैं, कौन खा गया गले दा आलू गल के नम करो भाई गल के खत्म हो गए। ए देखो ए निकलया भाई एक पीस, ए साबत निकला है पीस। अरे अगे जड़े चंगे हो गए चोन से आ हो जे सही ना। ए ए मौसम भाई ए सही जे विच विच उतराई सब बड़ा खुशक है था लड़ाई सानी नहीं आला पानी के नहीं खा गए ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਦ ਪਈ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਇਹ ਛਾਣਾ ਮਾਰ ਬੁਲਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਲੂ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇਖਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਮੇਨਾ ਰੇਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤ ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰੇਤਲਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਧੂਪ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾਇਆ दोबारा तू आलू वाला खेत जो मैं हल चला रहा और हल चलाने तो बाद देखांगे अगर कोई बीज ठीक होया तो दोबारा तू जो वो कट्ठा कर लांगे और जो खराब हो गया होगा उसकी जगह पर नवा बीज जरा वो ले आवांगे। तो बहुत ज़्यादा बीज जरा खराब हो गया तो फिलहाल जनाब ये हल चलाई जा रही है, हल चलाने तो बाद अज का दिन इन जो धुप लवावे तो फिर इंशाल्लाह जरा दोबारा ये आलू लगाए जाएंगे। लो जी तोड़ा मैं ले आया और जेड़ा बीज खराब है उन्हें बाहर काट देंगे और जेड़ा सही बीज है ना उन्हें जेड़ा तोड़े च पालेंगे और अल्लाह बेहतर जानता है। पहली दफ़ा ही इस तरह होया, पता नहीं हूँ बीज में सर्दी लग गई है या गर्मी लग गई है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे जदों मैं पानी लगाया ही ना तो बाद उस बारिश भी हुई ही तो शायद पानी ज़्यादा लगन की वजह ना होया या गर्मी की वजह ना होया मेरा अल्लाह जानता है। बीज जेड़ा वो खराब हो गया सारा, तकरीबन 50 किलो बीज जेड़ा ना वो लेके आया हमें और ओदे विचू सारा बीज जेड़ा ना खराब हो गया गल गया है, पता नहीं पानी मेरा ख्याल ज़्यादा लगन की वजह ना होया क्योंकि पानी लगाया ही तो उतू बारिश हो गई और यह बीज थोड़ा जहा बचा ही। यह बीज जेड़ा ना असी खेत सारे चु चुने
है तकरीबन बीज अच्छा तंदुरुस्त है। और दूसरा बीज लिया तो पहले पहले यह बीज जरा लगा देंगे ताकि यह खराब ना हो जाए। माशाला अपन जन तने जड़े ने थोड़े थोड़े काट लेने जनाब अस लो जी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जड़ी है ना उत्ते चढ़ा देने। लो जी ए वाले आलू लग गए ना और बाकी बीज लियाने तो फिर इंशाल्लाह वो भी लगाएंगे थोड़े शेयर करांगे। दोस्तों यह गाजरों का बीज है और इनू मैं अच्छी तरह मसल लाँगा अच्छी तरह मसल ना लाया कि गाजर जी अच्छी जी जमी है अच्छी उगती है। और यह जी क्यारी तो नज़र आ रही है इस क्यारी जनाब गाजर जी काश्त करांगे। और उस दिन बीज भी सी मिले गाजर का और अज मैं गाजर का बीज लिया आए थे इनू अच्छी तरह मसल के तो फिर इंशाल्लाह इनू काश्त करांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी बीज नू असी अच्छी तरह मसल लिया हूँ अं जनाब क्यारी दे खिलारने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर का बीज सारी क्यारी बखेर दिता और हूँ जनाब पैर मार के ना जिन्या भी मट्टी दियाँ ढेलियां ने उन्होंने जोड़ा फेदांगे बरीक कर देंगे जमीन जी है। लो जी कई की मदद नाल सारी क्यारी वट्टा पा देंगे और वट्टा वाली गाजर जी माशाला बहुत मोटी घनी और लंबी होंगी है। अलहमदुल्ला वट्टा जड़िया ने वो पा दतिया ने गाजर की क्यारी और पानी असं इनू नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी है और पानी नहीं लगाएंगे कुछ दिन तो बाद इंशाल्लाह इनू पानी लगाया जाएगा। जी हूँ मैं चढ़िया जी एक टाली के दरखत वो जनाब मैं तोरियां जड़िया ने काश्त की माशाल्लाह तोरियां नज़र पई ही तो मैं आख्या जनाब आज तोरियां तोड़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है जी माशाल्लाह क्या है जी माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह। जी जो मैं नीचू देखी है ना और एक ही तोरी मैनू नज़र आ रही ही और मैं दरख्त के उपर आया तो इतने जनाब बहुत ज़्यादा तादाद जड़िया ने तोरियां मैं नज़र आ गई ने माशाल्लाह कंडोलियाँ और थलियों जड़िया ने वो नज़र नहीं आदियाँ क्योंकि उपर जड़ा ने फुल उपर है जनाब दरखत के फुल उपर आदियाँ बेलां जड़ियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही दी और बहुत ज़्यादा लगी दी और दो ऐस साइड पर भी लगी दी माशाल्लाह। ए देखो तुसी ए कित्थे छुपी दी है बहुत ज़्यादा पत्तियां दे विच जनाब। बिस्मिल्लाह।
सारियां तोरियां जड़ियां ने वो लत्थियां ने और बर्तन कोई नहीं सी और मैं जनाब अपने कमीज की झोली दे जड़ियां ने पा लिया और जनाब घर ले चलिए। चलो जी मटर पानी लगा दिते थोड़े भाई ने और अज जनाब पीटर दोबारा तो स्टार्ट किया शटाले का खेत जरा उन्होंने भी पानी लगाने वाला होगा ही और इस खेत में लगाए दा और उस तो बाद इस खेत में लगाएंगे माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा जरा चारा है शटाला जिन्हों असं कहने जनाब सर्दियों का चारा सारे चारे में जरा पानी जरा फिर देंगे रेतली जमीन है ज़्यादा ओल लग जाए तो बीज जरा सड़ जाता है खराब हो जाता इस वास्ते पानी बहुत जरूरी है और पतला पतला पानी सारे खेत में जरा लगा दें माशाल्लाह जी पीटर चल रहा साड़ा ताड़ा ताड़ा अलहम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह ग्रेपफ्रूट तुम चेक कर सकते हो छोटा जहा पौधा और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त फल लगा था माशाल्लाह। चारे नूं पानी लगाने तो बाद हूँ मैं लगाया जे पालक नूं पानी काफ़ी दिन होया पालक नूं पानी नहीं लगाया था और अज जनाब सारी पालक जड़ी है उन्हें भी पानी लगा देंगे और माशाल्लाह पिछू मूंडी पालक जड़ी है बड़ी प्यारी जड़ी है निकली है माशाल्लाह। पानी लगाने तो बाद मैं जानवरों वास्ते एक चीज़ लैके आया वो जानवरों के अगे रखनी सब तो पहले जनाब मोटर स्टार्ट करने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और नमक जेड़ा उन्हें जनाब अच्छी तरह धोने लो जी अलहमदुल्ला अच्छी तरह साफ हो गया सारे जानवर आ गए जनाब एक 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 टुकर जो रख दें सब तो पहले जी गाय और हूँ जनाब मज जनाब छोटा जड़ा ने टुकर है छोटे जानवर के और नमक जड़ा वो भी जानवरों की खुराक का एक हिस्सा है जानवरों वास्ते बहुत अच्छा है और कुछ जानवर जड़े ने वो पीसा हुआ नमक जड़ा ने वो ले लेंगे उन्होंने जनाब मुठ्ठी की मदद ना हाथ की मदद ना देइए ले लेंगे कुछ जानवर जड़े ने टुकर रख दिता जाए तो खुद बो खुद ही अपनी जरूरत के मुताबिक जड़ा ने वो इस्तेमाल करते रहते हैं यानी खाते रहते हैं। अलहमदुल्ला जी बट्टा जड़िया ने वो पा दियां ने यानी निशानदेही की है वह कर दी है और हूँ जनाब मैं जा रहा जी किंगरा टोन क्योंकि उतो आलू का बीज लैके आना जी दोबारा मैं किंगरा टोन पहुँच गया और काफ़ी किस्म का बीज आएगा और यह जोड़ा वाकया मेरे ना है यह होर भी दोस्तों ना है क्योंकि बीज लगाने तो बाद उतु फोरी बारिश हो गई ही जिंद वजह तू बीज जोड़ा ने वो सारा गल गया ही और इतू जनाब एक जाली जी असं होर लै जाने सलाम अलैकुम भाई जान की हाल है ठीक ठाक हो हूँ फिर सानू एक जाली होर दे दो केड़ा अच्छा भला हर पिंड जाली मेरी गई है ठीक हो जड़ी जमींदार दी जाली आ ओए ये दे साडे तो अलावा भी कोई लामा आया आलूआं दा किते हां गंडियाल अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲ ਗਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੇ ਭਲਾਇਆ ਜਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1500 ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ 1550 ਦੀ ਰੱਬੀ ਉਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਹ ਜਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ 4500 ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਲੀ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ 5000 ਰੁਪਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ 4700 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ बिस्मिल्लाह
बेहतर लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी आलू साढ़े लागे ना सारे हूं ना उत्ते जनाब मिट्टी चढ़ा देंगे थोड़ी थोड़ी चलो जी ऐसे तरीके सारिया आलू मिट्टी चढ़ा देंगे। और जो लोग जनाब सियासतदान भी किसानों के बारे बड़ी गल्लां करते हैं किसानों माफिया आखते हैं एहोजियां गल्लां नहीं करनिया चाहिए क्योंकि किसान है तो मुल्क की खुशहाली है और किसानों के वड़ के तुम देखो खून परसीना एक हो जाता है इन्नी मेहनत करता किसान और फिर भी किसान के बारे जनाब वंशवनिया गल्लां कीती जांदियां ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया और ऐसे तरीके सारे आलूओं मिट्टी चढ़ा देंगे और दुआ करो कला तला करम करे आलू साढ़े जड़े ने सही जम जाए। लो जी इन्ना खर्चा हो गया है ये फसल जी रहा रहा मैं तो अगू जो मुनाफा आना वो गल वक्री है 6-7 हज़ार रुपया मेरा पहले लगा हजे तो तकरीबन 47 रुपये का हूँ बीज आया जे तो टोटल तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया खर्चा हो गया।